नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संबंधित साथ ही रीट भर्ती 2020 से संबंधित हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, रीट भर्ती 2020 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। आपका नोटिफिकेशन है वो सरकार जल्द ही जारी करने वाली है, तो किस दिन आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार ने पैटर्न में है वो बड़े बदलाव कर दिए हैं, यानी दो पेपर की जगह आपका एक ही पेपर होने वाला है। साथ ही बाहरी राज्यों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सरकार मौका नहीं देगी। इसके अलावा आपका जो भी वेटेज है उसको लेकर भी बड़ी घोषणा है वो सरकार कर चुकी है। तो दोस्तों कब तक आपकी नोटिफिकेशन आएगा, कब तक आपका एग्जाम होने वाला है, क्या क्या पैटर्न में बदलाव किया गया है दोस्तों, पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों रीट अगले साल ही मुमकिन दो की जगह एक ही पेपर होगा, सबसे बड़ी खबर तो दोस्तों यह है। इसके अलावा आपकी 7 सितंबर को है एक बड़ी बैठक है, वो गोविंद सिंह जी डोटासरा आपकी लेने वाला है, तो उसमें आपका बड़ा निर्णय किया जाएगा कि किस दिन आपकी विज्ञप्ति आएगी और किस दिन आपकी परीक्षा होगी। और दोस्तों जो भी आपके दो पेपर की जगह एक पेपर होने वाला है, साथ ही आपका दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी पूरी चर्चा आपको है वो 7 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो भी आपका वेटेज है उसको ख़त्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दोस्तों, इस पे भी आपकी है पूरी चर्चा है, वो आपकी 7 सितंबर को फाइनल डिसीजन है वो सरकार देने वाली है। क्योंकि दोस्तों लगातार अभ्यर्थी है वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार अभ्यर्थियों का प्रेशर है, क्योंकि दोस्तों लगभग आपका एक साल होने को है और अभी आपकी रीट की विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों कौन कौन से बड़े बदलाव है इस बार सकते हैं। रीट लेवल 2 में वेटेज सिस्टम पर आपका है वो विवाद है, इसीलिए आपका लेवल 2 में वेटेज सिस्टम का खत्म किया जाएगा। अभी रीट के 70% अंक जुड़ने, साथ ही जबकि आपकी ग्रेजुएशन के 30% अंक जोड़े जाते हैं। इसके कई राज्यों से फर्जी डिग्री लाकर भी युवा नौकरी लग चुके हैं। अब रीट के करीब 90 और ग्रेजुएशन के 10% अंक जोड़ने का फैसला है वो सरकार ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों रीट में एक ही पेपर के विवाद पर क्या फैसला आया है, तो दोस्तों रीट में 2 की जगह सिर्फ एक ही पेपर होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर आपकी सहमति है वो मिल चुकी है। यानी दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपके ये लिए यही होगी और सबसे अच्छी खबर होगी कि अब आपका एक ही पेपर होने वाला है। रीट में कॉमर्स सहकाय के छात्रों को भी शामिल करने की मांग है वो लगातार उठती ही रही है, तो यहाँ कॉमर्स के छात्रों को रीट परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। साथ ही सोमवार को होने वाली मीटिंग में इस पर आपकी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार दोस्तों हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी सोमवार को जो भी 7 सितंबर को बैठक होने वाली है उसमें आपका बड़ा फैसला फाइनल फैसला आने वाला है। दूसरे राज्यों की युवाओं को भर्ती से बाहर करने की मांग भी लगातार उठती रही है और ये आपके मध्य प्रदेश में हो चुका है तो राजस्थान में क्यों ना हो, क्योंकि लगातार हमारे राज्य के अभ्यर्थी हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको पहला मौका मिलना चाहिए, उन्हीं को इसमें मिलना चाहिए। साथ ही पैटर्न नंबर के वेटेज पर लगातार चर्चा की जा रही है, ये बोला है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। वो लगातार दोस्तों इसके रिलेटेड खबरें आ रही है, हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। राजस्थान की जो भी भर्तियां होती हैं उससे संबंधित जानकारी हम लगातार सबसे पहले और सही और सटीक जानकारी पहुंचाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिल जाएंगे सेकेंड वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।